नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खबर उन्नाव से। जनपद भ्रमण के दौरान माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश श्री जितेन्द्र प्रसाद, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग श्री कपिल देव अग्रवाल तथा माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा नवाबगंज पक्षी विहार का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर माननीय मंत्री समूह द्वारा बताया गया कि पक्षी विहार का पूरा विकास कराने के साथ ही चारों ओर बाउंड्री कराई जाएगी, जिससे कि बाहरी लोगों अनाधिकृत प्रवेश न कर सके और जनपद के अतिरिक्त आसपास से भी पर्यटक आ सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जो लोग भी शिथिलता बरतेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मंत्री समूह द्वारा यहां पर आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली जाएगी, जिसमें जीएफओ ने बताया कि यह एक वेटलैंड क्षेत्र है। यहां पर बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष विदेशी पक्षी आकर प्रवास करते हैं। झील के अंदर जलकुंभी होने पर मंत्री समूह द्वारा नाराजगी जताई गई तथा निर्देश दिए गए कि इस जगह को साफ सुथरा रखा जाए ताकि पर्यटक यहां आकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठा सके। इस दौरान मंत्री महोदय द्वारा झील डियर पार्क का भी भ्रमण किया गया, जहां पर हिरणों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने कहा कि यहां पर पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि जनपद में यह आकर्षण का केंद्र बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।